देखिए अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर वहां का भी वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है। 9 बजे की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो देखिए अमृतसर में 4.14% यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है, क्योंकि 8 बजे यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी थी। बठिंडा की अगर बात की जाए तो यहां पर 5.75% वोटिंग परसेंटेज बठिंडा का रहा है अभी तक का, क्योंकि 1 घंटे का ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिलहाल 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजपुर की अगर बात की जाए तो 6.63% यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। फरीदकोट की अगर बात की जाए तो देखिए 9 बजे तक 4.88% यहां पर वोटिंग हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फतेहगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर 6.94% वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का रहा है। यूपी में 7 बजे और इसी के साथ ही पंजाब में 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। गुरदासपुर की अगर बात की जाए तो देखिए 9 बजे तक यहाँ पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, 4.97% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा है अभी तक। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि समय आगे बढ़ेगा तो लोग और भी ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संडे भी है और इस वजह से भी शायद शुरुआती समय में ये कहा जा सकता है कि लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकले। फिलहाल जालंधर की अगर बात करें उसके बाद कपूरथला 5.05% यहाँ पर 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। लुधियाना की बात करें तो 9 बजे तक यहाँ पर 3.81% वोटिंग परसेंटेज रहा है। इसके साथ ही मनसा की बात की जाए तो मनसा में 5.83% यहाँ पर वोटिंग हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।